पुलिस के भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने भेजा मुख्यमंत्री को ज्ञापन। आपको बता दें, बरेली में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा, कप्तान द्वारा थानों में पुलिस चौकियों पर ईमानदारी चुस्ती फुर्ती पाक कर चार्ज दिया जाता है। उसके उपरांत भी थाना फरीदपुर इंस्पेक्टर रामसेवक द्वारा अपराध को रोकने की बजाय मोटी रकम एकत्रित की जा रही है। मैं हाजी, मेरा नाम हाजी मोहम्मद इकबाल एडवोकेट है और मैं जिला प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन टिकैत का हूँ, बरेली का। हमारी मांग ये है, जो फरीदपुर में इंस्पेक्टर 7 लाख रुपए के बिस्तर पे सो रहा था, तो वो जांच कराई। एसएसपी महोदय हमारे इंटरव्यू लेके और वो तैनाती करते हैं इंस्पेक्टर की और चौकी इंचार्ज की, ये अच्छी बात है। लेकिन ये कहीं चूक हो गई उनसे कि ऐसे इंस्पेक्टर को थाना फरीदपुर सौंप दिया, लेकिन फिर शिकायत मिलने पर एसएसपी महोदय ने उनके यहाँ छापा डलवाया और उनको रंगे हाथों पकड़वाया। और हमारी मांग ये है कि इस तरीके के ज़िले में और उत्तर प्रदेश में जो भी थाने हैं, सभी थानों पर औचक छापामारी की जाए, क्योंकि थानों के अंदर बड़ी धारा को छोटी धारा बना दिया जाता है, छोटी धारा को जो है बड़ी धारा बना दिया जाता है। इस चीज़ पे जो है नियंत्रण हो सके और भ्रष्टाचार पे नियंत्रण हो सके, ताकि पुलिस जो है सही काम करे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं योगी जी के भी सही काम हो, और तो सही काम तभी मुमकिन है कि थानों के अंदर FIR सही लिखाई जाए। हल्की धारा में FIR लिख ली जाती है दूसरी पार्टी से मिलकर, या धारा बदल दी जाती है और नाम मात्र को 151 में जो है चालान कर दिया जाता है शांति भंग के नाम पर, उसका सही से प्रॉपर मेडिकल तुरंत नहीं किया जाता। फरियादी को दवा धमका के जो है खाना पूरी करके चालू FIR लिखा दी जाती है तहरी, जिससे कोई गंभीर अपराध नहीं बनता है। कोई गंभीर अपराध की धारा लिख जाती है तो फिर सेटिंग चलती है, तो उसके बाद जो है उसे हल्की धाराओं में बदल दिया जाता है। थानों में दलालों की भरमार बहुत है, फरीदपुर में दलाल ज़्यादा थे, तो दलालों पे भी नियंत्रण किया जाए कि थानों के अंदर दलाल ना जाए, फरियादी जो जाए उसको सम्मान दिया जाए, उसकी FIR स्वतः ही लिखी जाए, ताकि यहाँ बड़े अधिकारियों के सामने भीड़ ज़्यादा लंबी चौड़ी ना लगे। थाने से ही नेक नियति से ईमानदारी के साथ फरियादी को न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद।